वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सिंपल मक्की की रोटी। और इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए होगा मक्की का आटा, बहुत सिंपल है। और आपको चाहिए होगा गर्म पानी, आप लोग चाहें तो कोसा पानी भी यूज कर सकते हैं या नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं, पर गर्म पानी में जो है आपकी मक्की सॉफ्ट हो जाती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ फर्दर क्या करना है। सबसे पहले आटे में पानी डाल के उसे मिक्स करना है आपको, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। मक्की की रोटी बनाना थोड़ा टफ रेसिपी में रहता है, आजकल की जनरेशन नहीं बना पाती है इजीली। इस तरह से आप बहुत सॉफ्टली इसे मिक्स करें। और गर्म पानी मिला लें। इस तरह से आपने मक्की का आटे का इस तरह पेड़ा ले लेना है। इस तरह से आपको आरी बनानी है हल्की हल्की। मक्की का आटा टूटता बहुत जल्दी है, थोड़ा सा आप चाहें तो आटा यूज करके भी इस तरह से लपेट सकते हैं इसमें, ताकि ये टूटे नहीं। इस तरह से आपको हाथ के थ्रू इसे कर लेना है, कई लोग पानी के थ्रू भी करते हैं। इस तरह से आपको बड़ा साइज करना है इसका, हाथ पे ही जहां से फट रहा वहां से इस तरह से जोड़ ले। अब हम इसे गैस पे रख देंगे। आपकी देखिए लगभग ये बन चुका है, ठीक है। इस तरह से अब इसे आपको सेकना है। अब आपको इसे पलट लेना है इस तरह से, चाहे तो हल्की हल्की घी भी यूज कर सकते हैं। हल्की हल्की घी यूज करना। और दोनों साइड को आपको गोल्डन ब्राउन होने देना है। मक्की की रोटी बहुत ध्यान से सेकनी पड़ती है ताकि वो कच्ची ना रहे। वेट करते हैं पकने का। अभी सीख चुके हैं दोनों साइड से, अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो ये आपकी मक्की की रोटी बिल्कुल तैयार है, और इसे आप सब्जी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।